नेक्स्ट कहता है टू स्प्रिंग है हम लोग के पास, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है ठीक है, बट हमें स्ट्रेच करना अप्लाइंग द सेम इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हमने सेम फोर्स लगा दिया, चलो भैया लगा दिया ये बहुत अच्छी बात, इफ द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए दिया हुआ तो बी में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, समझो हम लोग के पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये वाला है और एक स्प्रिंग ये है ठीक है, अगर इसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इसका के ए है और इसका के बी है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि के ए इज इक्वल टू टू टाइम्स के बी के इक्वल है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को पहले से दिया हुआ है ठीक है। अब चलो एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए, ए में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई वो हमें निकालना है, तो ए में एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग क्या होती है बोलो, हाफ के x का स्क्वायर, हाफ के x का स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग, तो ये एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स सेम है तो x एक वेरिएबल है, अलग अलग है तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं इन इसको फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो फोर्स अपॉन के इक्वल आ जाएगा, है ना, फोर्स इज इक्वल टू के इक्वल आ जाएगा, इसको ले जाके यहाँ रखोगे तो एनर्जी ई आ जाएगा, एनर्जी ई आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ के और एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब फोर्स का स्क्वायर और यहाँ के का स्क्वायर ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा एफ का स्क्वायर अपन टू के, दैट इज द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, ये हम लोगों के स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब एनर्जी इस फोर्स सेम है दोनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के तो यहाँ कंपेयर कर दो, एनर्जी इन ए एंड डिवाइडेड बाई एनर्जी इन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के ऑफ बी डिवाइडेड बाई के ऑफ ए ठीक है, इसका मतलब के ऑफ बी, के ऑफ बी तो के ऑफ बी को रहने ही दी ऐसे दो, इसका मतलब के ऑफ ए इक्वल टू टी टाइम्स के ऑफ बी, के ऑफ बी के खत्म हो गया मतलब वन बाई टू, तो कुल मिला के जो एनर्जी इन बी में आ जाएगा दैट इज टू टाइम्स एनर्जी इन ए, ये इसका मतलब ये हुआ दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ठीक है, मतलब बी में जो एनर्जी होगा वो इसका टू टाइम्स होगा, मतलब ये है कि दिस वन इज द करेक्ट ठीक है।